दाऊद इब्राहिम की जिंदगी के तमाम किस्से मशहूर हैं। कभी मुंबई में अपराध का पर्याय रहे दाऊद की लव स्टोरी भी खासी चर्चित है। अंडरवर्ल्ड डॉन को जिस लड़की से प्यार हुआ वह पंजाबी थी और दक्षिण मुंबई में दाऊद की दुकान के करीब रहा करती थी। नाम था सुजाता। एस हुसैन जैदी ने अपनी किताब डोंगरी से दुबई तक में दाऊद इब्राहिम की लव स्टोरी का विस्तार से वर्णन किया है। वह लिखते हैं, सुजाता जब भी दाऊद की दुकान के सामने से गुजरती थी वह एकटक उसे देखा करता था। दाऊद सुजाता के प्यार में पागल हो गया था। एक झलक पाने के लिए बस स्टॉप पर घंटों इंतजार करता था। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चला और आखिरकार सुजाता भी उसकी तरफ खींची चली आई। जब सुजाता के माता पिता को इस अफेयर के बारे में पता चला तो वह आग बबूला हो उठे, क्योंकि दाऊद मुस्लिम था और गुंडागर्दी के लिए बदनाम था। सुजाता के पेरेंट्स को दोनों का करीब आना कतई पसंद नहीं आया। उन्होंने फौरन अपनी जाति का एक लड़का खोजा और सुजाता की सगाई कर दी। यहाँ तक कि सुजाता के घर से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। जैदी लिखते हैं कि जब दाऊद को इस बात का पता लगा तो वह आपे से बाहर हो गया और रामपुर चाकू लेकर सुजाता के घर धमक पड़ा। घर का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। सुजाता के पिता अपने घर से निकले तो दाऊद ने चीखते हुए कहा कि वह किसके साथ रहना चाहती है, इसका फैसला उसी को करने दें। इस बीच आसपास भारी भीड़ जुट गई। थोड़ी देर बाद सुजाता अपने कमरे से निकली। उसके माता पिता ने कहा वह उन दोनों में से किसी एक को चुन ले, अगर गुंडे मवाली दाऊद को साथ गई तो वह बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देंगे और वह अनाथ हो जाएगी। सुजाता धर्म संकट में फंस गई और आखिरकार दाऊद से रिश्ता तोड़ लिया। सुजाता ने कहा हमारा साथ मुमकिन नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। दाऊद को इस बात से सदमा जैसा लगा। वह सुजाता को गाली देता हुआ वहां से लौट आया। हुसैन जैदी लिखते हैं कि साल 1983 में इस अफेयर्स के टूटने के बाद दाऊद इब्राहिम उदास रहने लगा, लेकिन यह उदासी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। इश्क ने फिर से उसकी जिंदगी में दस्तक दी। दाऊद मनीष मार्केट में अपने दोस्त की दुकान में अक्सर बैठा करता था। यहीं उसकी नजर महजबीन पर पड़ी। वह बिल्कुल मुमताज की तरह दिखती थी। बाद में जब अपने दोस्त से उस लड़की के बारे में पूछा तो पता चला कि वह मुमताज की रिश्तेदार और उसके पिता का नाम यूसुफ था, जो छोटा मोटा धंधा करते थे। दाऊद और महजबीन करीब आए। उन दिनों दक्षिण मुंबई के मुसलमान दाऊद को पसंद नहीं करते थे, लेकिन डर के नाते कोई कुछ कह नहीं पाता था। यूसुफ कश्मीरी भी अपनी बेटी का दाऊद से रिश्ता नहीं करना चाहते थे, लेकिन बेमन से राजी हो गए। NP टाइम्स की रिपोर्ट।